एलिशेस नंबर आपका 61 है। 31 मार्च 2018 को कैपिटल अकाउंट दे रखी है एलविन मोनो और अहमद की, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। एलविन की 80,000 है, मोनो की 60,000 है और अहमद की 40,000 है। सब्सिक्वेंटली बाद में पता चला इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मिस्टेक है, देखो करी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना भूल गए, दो मिस्टेक हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और पार्टनर जिसपे इंटरेस्ट लगाना था कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट का रेट आपका कितना है, 5% है। और ड्रॉइंग ये दे रखी है 20,000, 15,000 एंड 99,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये दे रखी है, निकाल के आपको दे रखी है, जैसे उसकी 500 है, उसकी 360, उसकी कितनी है 200 है। नेट प्रॉफिट आपका था वो आपका है 120। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखी है 3:2:1, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है, इन टेबल शोइंग क्या बनेगी एडजस्टमेंट, दो मिस्टेक हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना क्या कर गए, भूल गए। एक तो ना इसमें अब थोड़ा पॉइंट क्या चेंज है, इसमें ना कई बार क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल होती है, कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग कैपिटल की आइडेंटिफिकेशन पहले क्या है आपने समझना ध्यान से, कई बार तो ये डेट लास्ट दे रखी है, जैसे मार्च 31, 2018, यानी मार्च 31, 2018 को जो कैपिटल होगी वो तो आपकी क्लोजिंग ही होगी ना, ये क्लोजिंग कैपिटल है आपकी। अच्छा, एक तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है या फिर ये दिया होता है, इसमें दोनों ही दे रखी हैं, ये लिखा होता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, यानी प्रॉफिट और ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, यानी प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद ही कैपिटल है, यानी इसके अंदर ये कौन सी कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और आपको याद है मैंने आपको पीछे भी आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट लगता है ना, ये जैसे इंटरेस्ट लगाना भूल गए कैपिटल के ऊपर, वो लगता है ओपनिंग कैपिटल पे, और इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको दो दे दी, ये कोई जुड़े के क्वेश्चन में दो ही आपको मिलेंगी, आपको हो सकता है डेट लास्ट दे दे, या ये भी लिख सकता है कि कैपिटल दे रखी है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, यानी प्रॉफिट ऐड हो चुका है, ड्रॉइंग आपकी लेस हो चुकी है, यानी कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग है। फर्स्ट ऑफ आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर ना ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्योंकि जो इंटरेस्ट लगता है ना कैपिटल के ऊपर वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। अब फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करना, क्लोजिंग कैपिटल लेना एड ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, और लेस होता है एडिशनल कैपिटल अगर हो ना, तो वो भी लेस होती है, किसी में एडिशनल कैपिटल है नहीं, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। फार्मूला क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये फार्मूला का क्या निकालने का, ओपनिंग कैपिटल, ये मैंने आपको पहले भी आपको कराया था ना पॉइंट, वहाँ एडिशनल कैपिटल भी थी, वहाँ वो भी लेस हो गई थी। तो आप क्या करना, पहले आप ना कैलकुलेशन करना ओपनिंग कैपिटल की, तीनों पार्टनर का नाम लिखिए, एलविन मोनू और अहमद लिख लोगे, पहले उनकी कौन सी कैपिटल लोगे, क्लोजिंग कैपिटल ले लेना 80, 60, 40, ये गिवन है आपको, देखो 80,000, 60,000 एंड 40,000। अच्छा, उसके बाद आप ड्रॉइंग को क्या करोगे, ऐड करोगे, ड्रॉइंग ये दे रखी है, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर एलविन की कितनी है 20, मोनो की 15 है और उसकी कितनी है 9, तीनों की ड्रॉइंग पहले आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, ठीक है, ड्रॉइंग ऐड हो गई। अच्छा, लेस क्या करते हैं, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट ना जो आपको दे रखा है कंबाइंड दिया हुआ, देखो 120 तीनों का है, तीनों में कौन कौन है आपको बताओ, एलविन भी है, मोनू भी है और अहमद भी है, तो आपने क्या करना कि रेशियो आपको दे रखी है, रेशियो क्या दे रखी है बताना एक बार, 3:2:1, तो 3:2:1 में 120 को आप ना तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 120 का 3/6 करोगे तो 60,000 हो गया, 40,000 हो गया, 20,000 हो गया, ये प्रॉफिट आप इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। टोटल कंबाइंड दिया हो तीनों का प्रॉफिट इकट्ठा है, तो 120 के और रेशियो में बांट के ना, रेशियो आपको करना आप तो आ गया, खूब अच्छी तरह से करते हो आप, तो 60, 40, 20, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल के आ जाएगी 40,000, 35,000, 29,000। तो उसके बाद अब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, टेबल शोइंग क्या बनाते हो, एडजस्टमेंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। अच्छा, क्या लगाना भूल गए, दो मिस्टेक हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, तो इस पर इस कैपिटल पर निकालना, यानी कि फिर उसी कैपिटल पर लग जाओ निकालने। अब तक जितने क्वेश्चन पीछे आपने कर रहे हैं ना, सब में आप देखोगे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, यानी 1 अप्रैल की दे रखी कैपिटल, ठीक है, तो उसमें फिर हमें ओपनिंग की जरूरत ही नहीं, तो ओपनिंग दे ही रखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में खुद देखो आपके सामने कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग। अब जितने क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, सब में क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको दो दे दी, या तो मार्च 31 लिखा होता है, या लिखा होगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, एक तो प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, प्रॉफिट और ड्रॉइंग के एडजस्टमेंट करने के बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट है ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद आप इंटरेस्ट कैपिटल लगाना भूल गए, इस कैपिटल में निकालना 40,000 का क्या करेंगे हम, 5%, 2,000 हो गया, 35,000 का 5% करेंगे, 1,750 हो गया, 20,000
29 का 5% करेंगे 1450 हो गया टोटल आपका 5200। यहाँ क्रेडिट करोगे फर्म में, क्या करोगे डेबिट कर देना। नेक्स्ट मिस्टेक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लगाना भूल गए। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, 500 था, 360 था और 200 था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट 500, 360, 200, यहाँ फर्म में क्या करोगे क्रेडिट कर देना। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया तो कैसे करना है। अब आपका क्या करेंगे, जैसे नीचे लाइन लगाते हो टोटल वाली, तो इसका टोटल मिलना चाहिए ना, यहाँ 5200, तो यहाँ भी कितना चाहिए 5200, तो ऊपर डिफरेंस कितना रहेगा 4140 का। अब यहाँ क्या है क्रेडिट, तो यहाँ क्या करेंगे डेबिट। तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस रेशियो आपको दे रखी है 3:2:1 में, उसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ क्या करोगे डेबिट कर देना। अब आपका टोटल, फिर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, तो ये आपका डेबिट ज़्यादा, ये आपका क्रेडिट ज़्यादा, ये आपका क्रेडिट ज़्यादा, तो एंटी क्या बनाएंगे, एलविन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनो कैपिटल टू अहमद कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट, फर्म में क्रेडिट, तो जो डिफरेंस रहेगा 4140 करेगा, उसको रेशियो में बांट देना। रेशियो क्या दे रखी है, डिवीजन ऑफ फर्म लॉस 3:2:1। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। तो बस इतना ध्यान रखना कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। इस क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग है, तो पहले आप क्या करोगे ओपनिंग कैपिटल आप इसको निकाल के उसके बाद करना। हाँ, अगर कैपिटल, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात है, अगर कैपिटल आपकी फिक्स है, ये तो तब है जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग हो, तब तो ओपनिंग की जरूरत होती है। लेकिन अगर कैपिटल आपको फिक्स दे रखी है ना, तब ओपनिंग कैपिटल मत निकालना, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपको याद है करंट अकाउंट खुलते हैं। कौन से अकाउंट खुलते हैं, करंट। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, सीधा ही हम टेबल शोइंग क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट ही बना देंगे। सीधा क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, बस सीधा टेबल शोइंग क्या बना देना, एडजस्टमेंट बना देना। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखना आगे कि एज्यूमिंग द कैपिटल वर फिक्स, ये कैपिटल अगर फिक्स हो कौन सी इलस्ट्रेशन में, 61 जो मैंने पीछे आपको कराया ना, देखो इस क्वेश्चन की बात करें कि 61 में अगर आपकी कैपिटल क्या हो फिक्स हो, तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, नेसेसरी एंट्री करके लिखा। अब आपने क्या करना, स्टेटमेंट आपने वही लेनी है, ये जो 61 है इसमें अब आपको कह रहा है कि कैपिटल को ना फिक्स मानी है, कैपिटल को क्या मानी है, फिक्स मानी है। तो आपने क्या करना है, फिर कैपिटल अगर फिक्स होती है तो आपको याद है कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट में बस एक तो कैपिटल का बैलेंस या कोई एडिशनल कैपिटल लगाए निकाले और तो कुछ नहीं आता ना। तो हम ये मान के चलेंगे जो ये कैपिटल है ना, ये ओपनिंग कैपिटल है उनकी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं थी, कोई परमानेंट कैपिटल विड्रॉन वगैरह नहीं थी, यही ओपनिंग कैपिटल है, यही आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो इसी कैपिटल पर लगेगा जो आपको गिवन है। ठीक है, आपको कैसे, एक तो एंटी करंट में जाएगी, करंट में लेके जाओगे तो एंटी करंट में लेके जाओगे, जाओगे कैपिटल आपकी फिक्स है, और साथ में आपने ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेशन नहीं करना। आपने क्या करना है, सीधा टेबल शोइंग क्या बनाओगे, एडजस्टमेंट बनाओगे। और दो गलतियां हैं, एक तो इंटरेस्टमेंट कैपिटल लगाना भूल गए, इंटरेस्टमेंट इसी कैपिटल पर निकालना, जैसे 80,000 है, 60,000 है और कितना आपका 40,000 है। इंटरेस्टमेंट कैपिटल का रेट क्या दे रखा है, 5% दे रखा है, टेबल निकाले 80,000 का 5%, नेक्स्ट कैपिटल आपकी 60,000 है, 60,000 का 5%, नेक्स्ट कैपिटल आपकी 40,000 है, 40,000 का 5%, तो आप देखो आपका 4,000 बन जाएगा, क्रेडिट करना, उसका 3,000 बन जाएगा, इसका कितना बन जाएगा 2,000 बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, तो क्रेडिट में हो जाएगा और इसी कैपिटल पे निकलेगी जो आपको कैपिटल गिवन है, उसी पे आप इंटरेस्ट निकालना। यहाँ क्रेडिट, फर्म में क्या होगा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको दे रखा 500, 360, 200, भाई यहाँ क्रेडिट। अब एक लाइन छोड़ देंगे बीच में, लाइन टोटल का कॉलम बनाएंगे, टोटल फर्म का टोटल पहले करना, यहाँ कितना टोटल आपका 9, यहाँ भी कितना होना चाहिए 9, तो बाकी डिफरेंस कितना रहेगा 7940। अब यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ क्या करेंगे डेबिट, तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस रेशियो क्या दे रखी है 3:2:1, उसी में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 3/6, 2/6 और 1/6 टोटल आ जाएगा। फिर आपका ये टोटल करके फिर आप नेट इफेक्ट निकाल लेना, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है, तो एंट्री क्या बनेगी, एलविन करंट अकाउंट डेबिट मोनू करंट अकाउंट डेबिट टू अहमद करंट अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस करंट में डालना और आपने कैपिटल में ओपनिंग नहीं निकाली, जो कैपिटल आपको दे रखी है उसी पे इंटरेस्ट लगा देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हमें निकाल के दे ही रखा उसने, तो दो चीज़ें लेके आप टेबल शोइंग क्या बना देना, एडजस्टमेंट सीधा बनाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो भी फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, तो फिर हम कौन सी कैपिटल निकालेंगे, पहले ओपनिंग फार्मूला द्वारा, तो क्या रहेगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट कंबाइन होगा रेशियो में बांट के करना लेस। ठीक है, रेशियो तो 1:1:1 मान लेना। ठीक है, इतना ध्यान रखना। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम, 63।
63 क्वेश्चन एक बार निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। देखो एक बार, 31 मार्च 2014 को बैलेंस दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट के ए बी सी के, आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। देखो तो अब तो देखो डेट भी लास्ट है ना, मार्च 31 है ना, और लिखा भी क्या हुआ, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, यानी कि तो दोनों आइडेंटिफिकेशन दे रखे हैं, यानी कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग। तो उसके बाद कहता है कि कैपिटल 160 120 80, और सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये लगाना भूल गए, दो मिस्टेक है जी। ये तो क्या लगाना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रॉफिट ये कंबाइंड दे रखा है, 40,000 रेशियो आपके सामने है, ये इसी रेशियो में रख लेंगे, और ड्रॉइंग ये दे रखी है ए और बी ने, तो निकाले टोटल 24,000 टोटल है, ध्यान रखना पूरा 24 24, यानी ए और बी ने हर महीने के शुरू में निकाला उसने, और सी ने निकाले टोटल कितना निकाला, 48,000 हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में मतलब 4,000 पर मंथ निकाले, इसके निकाले हैं आपके 2,000 पर मंथ, 24 टोटल गिवन है, ध्यान रखना फुल गिवन, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। ए और बी की ड्रॉइंग कितनी, 24 24 होगी, और सी की ड्रॉइंग आपको ये दे रखी 48,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना, किस रेट पर लगाना है, 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10% रेशियो दे रखी है, तो आपको नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। हाँ जी क्वेश्चन समझ में आ गए, तो पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, कौन सी कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लेना। ऐड क्या करेंगे, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग आपको दे रखी है ए और बी की, तो 24 24 है, और सी की 48 है। देखो ए और बी ने टोटल निकाले 24 24, देखो ए और बी, और सी ने कितने निकाले, 48,000 निकाले, ठीक है। अच्छा लेस प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट हमें इकट्ठा दिया हुआ टोटल कितना, प्रॉफिट आपका 40,000, रेशियो क्या दे रखे, 2:1:1, उसमें करेंगे 20,000 10,000 एंड 10,000, तो ये हमारी कौन सी कैपिटल निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ गई। ये द्वारा तो फार्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सी रेशियो जो आपको दे रखी है 2:1:1 में, आप उसको लेस करना, तो ये हमारी कौन सी कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। चलिए अब टेबल शोइंग क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट दो मिस्टेक है, एक तो क्या लगाना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट लगाना था, 5% सॉरी 10%, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट क्या है, 5%। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी क्रेडिट होता है इस पर निकालना, 10% रेट है, 10/100 कर दोगे इसके ऊपर ओपनिंग कैपिटल पे, इसका भी 10/100 करोगे, इसका भी 10/100 करोगे, 16400 इसमें आएगा, 13400 ठीक है, इसका आएगा 11800, और डेबिट में 41600 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, तो ए और बी ने टोटल निकाले 24, बी ने भी 24, और सी ने निकाले 48। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट हमें गिवन है इसमें 5%, यहाँ भी 5% करेंगे, यहाँ भी 5% करेंगे। अच्छा दो ने तो बिगनिंग में करा, बिगनिंग में 6.5/12, 6.5/12 याद है आपको, और एक ने एंड में करा सी ने, तो इसका आएगा 5.5/12, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपकी बन जाएगी 650 650 एंड 1100, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट 650 आएगा, 650 आएगा और 1100 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्रेडिट 2400 क्रेडिट कर देना, ठीक है। अब हम लगाएंगे लाइन, टोटल पहले फर्म का, तो 41600 यहाँ कितना चाहिए, 41600, अब 41600 में से लेस करेंगे, 41600 माइनस करेंगे 2400, ये आएगा 3920 यहाँ पे क्रेडिट में ना, तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस करेंगे, तो ये हमारा आएगा इसका, जैसे अब यहाँ देखना कोई ज़्यादा क्रेडिट है, तो यहाँ क्या आएगा, डेबिट 19600, रेशियो में करना जो उनकी रेशियो दे रखी है 2:1:1, नहीं आपका भी इसका भी इतना 9800 आएगा, इसका भी 9800 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप टोटल करेंगे, 19600 प्लस 650 ये आएगा 20250, ये आएगा 16400, नेक्स्ट करेंगे 650 प्लस 9800, 10450 13400, इसका करेंगे 9800 प्लस 1100, 10900
11800 नेट इफेक्ट, इसमें आपका डेबिट ज़्यादा 3850, इसमें क्रेडिट ज़्यादा है 2950, इसमें भी आपका क्रेडिट ज़्यादा है 900। ठीक है, अब आप एंट्री बताओ क्या बनेगी, बताओ ज़रा एक बार। डेबिट कौन हुआ ए, तो एंट्री बना देना, यहाँ बना देता हूँ ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपका आएगा 3850 आ जाएगा, यहाँ यहाँ कितना लिखेंगे 2950 आ जाएगा, यहाँ आपका 900 आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, बताओ बोले ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाली, बताओ हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल थी, क्लोजिंग थी, और इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग पे लगता है, इसलिए पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फार्मूला एक बार याद कर लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, ड्रॉइंग सबकी अलग अलग गिवन होगी सेपरेट सेपरेट, और प्रॉफिट आपको कंबाइन होगा, रेशियो में आप उसको लेस कर देना डिस्ट्रीब्यूट करके, ये हमारी कौन सी कैपिटल आएगी ओपनिंग। उसके बाद आप टेबल शोइंग क्या बनाओगे, एडजस्टमेंट आप उसको बना दोगे। ठीक है, ये 64 क्वेश्चन भी देखने हैं। पहले पी और बी ना पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है 3:2, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की, क्लोजिंग कैपिटल है ना, देखो आपकी डेट लास्ट दे रखी है 31 मार्च की बैलेंस शीट है, यानी ये जो कैपिटल है क्लोजिंग है। ठीक है, ध्यान रखना जो अंतर गिवन है ना बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, प्रॉफिट 30,000 था जो आपका डिवाइड हो चुका है पार्टनर के बीच में विदाउट अलोइंग, एक तो क्या लगाना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक सैलरी देनी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, सैलरी भी क्रेडिट होती है 1,000 पर मंथ है, और ये ड्रॉइंग दे रखी है उसकी 8,000 है, उसकी 4,000 है, और ये आपने कहते हैं वो करके दिखाओ टेबल शोइंग, एडजस्टमेंट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना, क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल है क्लोजिंग, तो कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल प्रिया बिना, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लेना 80,000, 40,000 ड्रॉइंग आपको दे रखी है, देखो नीचे है ना, पिया ने निकाले 8,000 और बीना ने निकाले 4,000। ठीक है, तो देखो 8,000 4,000 पहले ऐड कर देना, तो लेस प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपके रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट इकट्ठा कमाई ने देखो 30,000 दे रखा है ना प्रॉफिट आपको, तो रेशियो ऊपर है आपके पास, क्या रेशियो दे रखी 3:2 में आप करना 18,000 और 12,000, तो हमारी कौन सी कैपिटल आएगी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो अब कुछ चेक करते हैं टेबल शोइंग क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट, एक तो हमने क्या लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, तभी मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली, इस पर निकालना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या दे रखा 12%, 12/100, इसका भी क्या करोगे 12/100 कर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आएगा निकल के पहला आएगा 8400 आ जाएगा, तो 8400 क्रेडिट में डालना, नेक्स्ट जब निकालोगे तो नेक्स्ट आपका आपका आता है 8400, नेक्स्ट आएगा 3840, यहाँ क्रेडिट तो फर्म में डेबिट 12240, नेक्स्ट एक सैलरी देनी है, सैलरी भी क्रेडिट होती है, किसको देनी है पिया को, पिया में क्रेडिट करेंगे हम 12,000, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ क्या रहेगा डेबिट रहेगा, अब लाइन लगा लेंगे ऐसे करके, यहाँ टोटल तो ये आएगा आपका 242, आपका बन जाएगा टोटल 24240, तो यहाँ भी आप 24240 ऊपर भी लिखेंगे 24240, और यहाँ लिख देंगे डिवीजन ऑफ फर्म लॉस, रेशियो क्या दे रखी है इनकी, रेशियो जो गिवन है आपकी वो 3:2 दे रखी है, तो 24240 का करेंगे 3/5, तो एक तो आएगा 1,4,5। अच्छा देखो यहाँ पे आप क्या क्रेडिट, यहाँ क्या करोगे डेबिट 1,4,5,4,4, नेक्स्ट आएगा 9,6,9,6 आ जाएगा, अब आपका टोटल आएगा 1,4,5,4,4, यहाँ करेंगे तो ये बन जाता है आपका 12,000 प्लस 8,400 20400 9,6,9,6 3,840। अब नेट इफेक्ट, इसमें आपका क्रेडिट ज़्यादा हो गया 5,856, इसमें डेबिट ज़्यादा हो गया 5,856। अब एंट्री बताओ क्या बनेगी, बताना बिना डेबिट बिना, चलिए करते हैं बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5,856 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 5,856 आपका आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा जो आपने आज क्वेश्चन बस आज इतने ही करेंगे,
एक ना पीछे जब एक्सरसाइज का ना 61 क्वेश्चन करोगे पीछे, इसके अंदर तीन पार्ट है, 61 का ए भी है, बी भी है, सी भी है। सब में आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, तो सब में पहले कौन सी कैपिटल निकालनी है? ओपनिंग। फिर आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे। उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसके अंदर उसने क्या कहा है, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाने हैं। क्या बनाने हैं? कैपिटल अकाउंट। ये बना के जैसे आपका ओपनिंग कैपिटल निकाली पहले, फिर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कर दी, फिर जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में, मान लो जैसे 61 क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन ही ले रहा हूँ, और मान लो इसके अंदर अपने कैपिटल अकाउंट अगर बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, अगर कैपिटल अकाउंट बनाने आ जाए। अच्छा, कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? जैसे आपके पास तीन है ना, एलविन, मोनू और अहमद है। तो एक बार हिंट दे रहा हूँ, आप बना के देख लेना, नहीं बनेंगे फिर बता दूंगा आपको। एलविन, मोनू, अहमद। एलविन, मोनू, अहमद, पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है, कैपिटल का ना बैलेंस ले लेना। कैपिटल का क्या लेना बैलेंस? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को ले बैलेंस, आपको ये नहीं करना कि ओपनिंग कैपिटल वाला लेना है, आपको सीधा ये जो है ना ये बैलेंस लेना, 80, 60 और 40। ये देखो 80 ले लिया, 60 ले लिया और 40 ले लिया, ये बैलेंस आ गए। ठीक है, समझ में? बैलेंस कैसे लिए? अब आपको ना क्या करना है, अब आपकी जो मिस्टेक वगैरह थी उसकी आपने एडजस्टमेंट एंट्री बना दी ना, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। पहले भी करी है आपने, कॉन्ट्रा एंट्री करते थे इसी चैप्टर जो मैंने आपको पहले कराया था ना, कौन सा कराया? थर्ड कराया था। अभी डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये ना आप एंट्री सीधा इसके अंदर डाल दो। टू, एक तो था मोनू कैपिटल, टू अहमद कैपिटल, ये तो टू वाली साइड में आ गया। कॉन्ट्रा एंट्री ध्यान रखना, टू है ना, टू टू वाली साइड, ऊपर एलविन है, बाय एलविन कैपिटल। अच्छा, एलविन वाला किस में लिखेंगे हम? मोनू और अहमद में, 10, 560। और मोनू और अहमद वाला किस में लिखेंगे? एलविन में। एलविन पहले वाला था ना, एलविन ई है, एलविन, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 और 560। बस इतना करना, वहाँ पे पहले कैपिटल का बैलेंस ले लोगे, क्लोजिंग वाला लेना है यहाँ पे, ठीक है? और ये एडजस्टमेंट एंट्री को आपने उसके अंदर पोस्ट करना है। ये कॉन्ट्रा एंट्री जाएगी टू मोनो कैपिटल, टू अहमद कैपिटल, बाय एलविन। एलविन वाला किस में लिखोगे? मोनो और अहमद में। अहमद वाला, अहमद मोनो और अहमद वाला किस में लिखोगे? एलविन में। बस ये करके, ये आपने बस टोटल करके टू बैलेंस कैरी डाउन कर देना। टू बैलेंस क्या करना? कैरी डाउन, ये आपका बस ये आंसर आपको मैच कर देगा वहाँ पे, ठीक है? तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं ना, अब आपका नोट कर लेंगे पहले। मैं बता भी देता हूँ एक बार कहाँ पे है। एक तो 61 का ए, इन तीनों में फिर कह रहा हूँ, 61 का बी है, 61 का सी है, अदो ए भी पार्टनर है, रेशो दे रखी, 31 मार्च की कैपिटल है, यानी क्लोजिंग कैपिटल है आपकी, इसमें सिर्फ टैक्स लगाना बोला है 8% के हिसाब से, ठीक है? उसके बाद फिर आपका ये है, देखो इसमें देखो कैपिटल दे रखी ए बी सी की, 20, 15 आफ्टर एडजस्टमेंट, देखो लिखा ना, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, यानी कि प्रॉफिट और ड्रॉइंग के एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग है। ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ना मोन जैसे पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, और कहते ये इस कैपिटल पे पहुंचते समय उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट जो था वो आपका उनका अंदर क्रेडिट कर दिया, और ड्रॉइंग भी दे रखी है, यानी ये प्रॉफिट और ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद है, यानी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है, ध्यान रखना कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। और ये करना भूल गए, देखो दो मिस्टेक है, एक तो क्या लगाना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और लास्ट में देखो कह रहे ना कैपिटल अकाउंट बना दो, तो वही मैं कैपिटल में बनाने बताया था, तो अभी ऐसे ही बनाना है कैपिटल, आपने जैसे भी बताया ना आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे ही बना देना। इसमें 61 का ए, 61 का बी, 61 का सी, तीनों क्वेश्चन करने हैं अच्छी तरह से करना है, तभी मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। तो तीनों के अंदर क्लोजिंग कैपिटल पहले ओपनिंग निकालोगे, उसके बाद जो मिस्टेक है उसको आप ठीक करोगे, ठीक है? अब 62 है ना जो क्वेश्चन आपका, इसमें स्टेटमेंट तीनों की यही लेनी है, देखो 61 की ए, 61 का ए, बी सी, लेकिन इसमें कैपिटल को क्या मानना है? फिक्स मानना है। कैपिटल को क्या मानेंगे? फिक्स। फिक्स में आपको बताया था मैंने कि ओपनिंग नहीं निकालनी, बस आप क्या करना है, यही क्वेश्चन उठाना है इनकी स्टेटमेंट ये वाली, और उसके बाद सीधा बस आपने बस टेबल शोइंग क्या बनानी है? एडजस्टमेंट बनानी है। टेबल शोइंग क्या बनाओगे? एडजस्टमेंट, यानी कि सीधा टेबल बनानी है आपने इसके अंदर, स्टेटमेंट ये लेनी है जो ऊपर वाले क्वेश्चनों की। और 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बताया भी था, इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल है, पहले ओपनिंग निकाल लेना। ड्रॉइंग ये दे रखी है, प्रत्येक प्रत्येक पार्ट ने 48,000 निकाले हैं, एलविन और ईशा और मानव ने, जबकि उसने दमन ने कितने निकाले? 60,000 निकाले। अब कुछ ने कहा ड्यूरिंग द ईयर मानते हैं, यानी 6 मंथ का लगेगा इसके ऊपर, 6/12 होगा इसका है, मिडल है इसका भी 6 मंथ का बनेगा, सबका 6 6 मंथ बनेगा, ठीक है? ध्यान रखना। तो रेशो आपकी दे रखी है 3:2:1, ये भी आप कर लोगे, ठीक है? 63 भी करोगे और एक 64 कर लेना, ठीक है? उसके बाद फिर ये बस एक दिन का चैप्टर आपका हो रहा है, 65, 66 और एक 67 या ज़्यादा क्वेश्चन 68 है, बस एक दिन का और, तो उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा कराया आपको, और आपने कितना किया वो आपको पता, ठीक है?
तो थोड़ा इसको ये पहले आज के क्वेश्चन कर लेना, बाकी कल करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, एक तो जो करना है आपने 61 का ए, 61 का बी, 61 का सी, और जो 62 है वो पार्ट, वही तीनों पार्ट होंगे, 62 का ए, 62 का बी, 62 का सी। स्टेटमेंट इसकी लेनी है, ठीक है। और एक आप करेंगे 63 एंड 64, तो वो सर ज़्यादा काम है, 8 क्वेश्चन है, छोटे छोटे कर लेना, प्रैक्टिस ही तो है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक है, ओके।